नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। एनएचएम एम्प्लॉय से पिछले 100 दिनों से लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब तक कहीं भी जो है वो इनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जस्टिस के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हमारी मांगे। देखिए आप सर, सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, क्योंकि 100 दिन से ऊपर हमारा प्रोटेस्ट हो गया और आप हमें प्रॉपरली कवरेज देते रहे हैं। आपने हर जगह पे हमें पीटा गया, हमारे बच्चों को घसीटा गया। हमने जहाँ तक 7 दिन जो है बिल्डिंग कब्जे में रखी थी एमडी सर की, वो भी आपकी कवरेज थी। तो इतने दिन मारे खाने के बाद फाइनली हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है। उन्होंने जो अप्रूवल लिख के भेजा था एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी को, मनोज सिन्हा जी को, उन्होंने वो सेक्शन करके भेज दिया। अब हमारी यही उनसे गुजारिश रहेगी कि हमारी जो बच्चों की एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, जो रिक्रूटमेंट होगी, उसके ऊपर बिल्कुल फेयर तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए। ऐसा ना हो जैसे जेकेपीएसआई का स्कैम हो गया, एफएए का स्कैम हो गया। ऐसे अगर हमारी पोस्टों के ऊपर भी ऐसा कोई किया गया, हमें पता चला, क्योंकि ग्रुप हमारे सभी एक्टिवेट है, अगर इसमें किसी एक बच्चे ने भी बोल दिया कि हमारी इधर हमारा फलाना ऑफिसर इतने पैसे मांग रहा है, हमने कुछ नहीं करना है, ना हमने एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना है, हमने जाके उस ऑफिसर के घर पे जाके डेरा डाल देना है। फिर हम ना उधर से निकलेंगे ना उधर से उठेंगे। फिर जब तक वो पूरी उम्र का बयाना देगा इन बच्चों को, पूरी उम्र का खिलवाएगा, राशन भी देगा और रहने के लिए जगह भी देगा। और हम चाहते हैं हमारी जो सिलेक्शन लिस्ट है, पहले उनमें बच्चे जिन्होंने कोविड में काम किया हो, इनको एडजस्टमेंट करके, हमारे लिए कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 5,000 पोस्ट निकाले। डर क्यों है आप में कि इस लिस्ट में भी धांधली हो सकती है, इस एनएचएम की पोस्टों में भी धांधली हो सकती है? सर डर इसलिए ये देखो, बारिश में कोई मजबूरी होगा बैठेगा, ऐसे तो कोई बैठता नहीं है। तो डर हमें भी है, इनको देख के लग रहा है, इनकी तो सिलेक्शन लिस्ट भी निकल गई है। अब ये मांग रहे हैं कि वी वांट सिलेक्शन लिस्ट, तो हम भी बाद में मांगते फिरेंगे, फिर हमें सिलेक्शन लिस्ट दे दो। हर जगह कहा जाता था अब ट्रांसपेरेंट भर्तियां होंगी, युवा जो है उनका सही जगह पे उनकी अपॉइंटमेंट होगी, मगर धांधलियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सर आप खुद जेकेपीएसआई का स्कैम ही ले लो आप, उसमें क्यों नहीं फिर सीबीआई ने इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए? उसमें कोई बड़े बंदे भी थे जिनका नाम था, मैं लेना नहीं चाहूंगा, अब उसी वजह से बाकी वालों को रगड़ा लग रहा है। देख सकते हैं कि एनएचएम एम्प्लॉयज आज फिर से यहां पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगभग 100 दिन हो गए यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए और अब हमें पता चल रहा है कि जो हमें अप्रूवल एलजी सर ने हमारा अप्रूवल पास किया हुआ है, हमारे लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, हमारी जल्दी ही एडवर्टाइजमेंट निकलेगी। बट हम ये कहना चाहते हैं कि अगर एडवर्टाइजमेंट तो चलो एमडी सर ने हमारे लिए जितना करना था उन्होंने कर दिया, बट अब जो आगे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ छोटे लोग, जैसे कि अब देखो जेकेएसआई जो भी एसआई का स्कैम हुआ है, ऐसा कल हमारे साथ ना हो, हम ये पहले बोलना चाहते हैं कि हमारे जो रिक्रूटमेंट ड्राइव चलेगी इसमें ऐसी धांधली कोई नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों ने कोविड में काम किया फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हें मिल रही है और उस तरह से हमारी रिक्रूटमेंट ड्राइव पूरी सेफली होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो हमारी फेयर सिलेक्शन लिस्ट के, हमें नहीं चाहिए बीच में ये कुछ ऐसे स्कैम्स हो जाए और बाद में हमें भी बेचारों की तरह रोडों पे बैठना पड़े फिर, क्योंकि हम पहले ही 100 दिनों से रोड पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हम नहीं चाहते कि हमने इतनी मेहनत करके जो एडवर्टाइजमेंट अपनी निकलवा रहे हैं, जो पोस्टें हमने वैकेंट पोस्टें निकलवाई है उस उन पे और कोई और पैसे खाएं या कुछ भी करें, बट हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो और हमारी जो भी होगी फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए सब बच्चों को। थैंक यू सर।